यक्ष गर्ग साहब, यहाँ की पार्षद राधिका सेतिया, बच्ची हमारी सेतिया जी, और मैं सबके नाम लूंगा तो फिर, क्योंकि मेरे में ऐसे लगता है सारा परिवार है मेरा और सारे मेरे दोस्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों। आज मैं जहाँ आके ऐसा महसूस करता हूँ जैसे भगवान राम 14 साल बाद वनवास से आए थे, मैं अपने घर आया हूँ वापस। इन्हें ऐसा लगता है कि वाकई अपने घर आया हूँ मैं। जब नांगल से को मेरे को फोन जाता है, क्योंकि काम मैं करता है, लोगों का लगाव तो है, काम करते रहे, करवाते हैं, तो जब जाता है जहाँ से फोन, तो मेरा ऐसा लगता है मैं बाहर का हूँ तो घर मेरा यहाँ है। और मेरा ऐसा लगाव इस 5 साल में बना कि मैं सच्ची बात बताता हूँ कि मैं भूल नहीं पाया, मैं परेशान जरूर हुआ हूँ। मेरा कहने का मतलब ये कि मैच जीतने के बाद मैंने ये देखता कि एक कौन है, कहाँ का है, पार्टी का है, बाहर का है, एक इसकी क्या जात है, क्या गोत है, बिल्कुल मानस की जात सब एक का पहचान। वो मैं नहीं समझता किसी बात को, मैं ये समझता हूँ कि काम करना हमारा परम धर्म जो है कर्म है, तो वो हम करते हैं। मैं यहाँ आके इतना खुश हूँ कि मैं इस इलाके का, मैं पूरा एक एक गली को जानता हूँ, एक एक जगह को जानता हूँ, जो काम करने वाले उसको भी जानता हूँ, जो करवाने वाले हैं वो सबको जानता हूँ। मेरे को इतनी खुशी हो रही है आपके बीच में आके, इसलिए मैं आपको इतना आश्वासन दिलाता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी ने का सपना है उसको साकार करना है तो दिल्ली की राजधानी के ऊपर आपका कब्जा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। जो दिल्ली है, ये दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली है इंटरनेशनल सिटी है, सारे संसार के लोग यहाँ रहते हैं और सारी दुनिया यहाँ आती है। तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने, आपको पता कि जब कॉमनवेल्थ हुई थी तो उस टाइम बाहर से खिलाड़ी आने बंद हो गए, इतना भ्रष्टाचार, डर गए लोग। इस भ्रष्टाचार का खात्मा करना है, जहां सुरक्षा प्रदान करनी है, जहां स्वच्छता लानी है। ये जो प्लान उन्होंने किया, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जमुना भी साफ हो रही है, गंगा भी हो रही है, लेकिन हमने सबसे पहले ये काम करना है कि पहले तो अपना मन साफ करना, अपने आप को साफ करना। कबीर साहब ने कहा, कबीर गंगा तीर जे घर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इउं कह रवे कबीर। फिर कबीर साहब कहते, कबीर मन निर्मल पाया जैसा गंगा नीर। जो गंगा वर्गे पानी वर्गा मन निर्मल हो जाए तो सफाई अपने आप हो जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किरण बेदी को ला करके एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और बहुत बड़ा छक्का मारा उन्होंने। और ये किरण बेदी आपने बना दी तो मैं याद रखना, जब मेरी भैनें बैठी थी जहां, मैं इनको ये कह दूं कि जिस दिन किरण बेदी बैठ गई ना कुर्सी पे, ये गुंडे गुंडे भाग जाएंगे दिल्ली छोड़ के, उस दिन दिल्ली बाहर हो जाएंगे सारे। दिल्ली में जहां और के और सब सफाई होगी, वहां गुंडों की सफाई सबसे पहले होगी। आज रोज सुनते हैं वहां ये हो गया, ये जो एक पिछला साल जहां गुंडा कर दी बड़ी है, मैं जो अगर आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ा गुना उस आदमी का जो पकौड़ा होके छोड़ के दिल्ली की सरकार लोगों को बेआसरा छोड़ के भागा कि मैं मोदी का मुकाबला करके शायद देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। वो इतना बड़ा सपना लेने तुर गया, इसलिए जब उसको मार पड़ी तो फिर आके उन लोगों से माफी मांगता, मैं गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। लेकिन वो गलती का देश का नुकसान कितना हुआ, दिल्ली का नुकसान कितना हुआ, ना पानी का सुधार हुआ, ना बिजली का सुधार हुआ, ना सफाई का सुधार हुआ, ना स्वच्छता का, ना सुरक्षा का, किसी काम का ना हुआ। और हाथ जोड़ के फिर गली गली घूमते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इनको पूछो, तेरे को चिट्ठी डाली थी किसी ने, तू रिजाइन करके सरकार तोड़ दे, क्यों तोड़ी सरकार तूने, लोगों ने तेरे को वोट दे, तू काम करके दिखा। इसलिए वो लोग आज फिर भंबड़ पूछे में डालने के लिए चल रहे हैं। आप अपने को सचेत होके, भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में जीत गई है, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन दिल्ली राजधानी है, राजधानी पे अगर हमारा कब्जा झंडा नारा रहा है, हमारी बहुत बड़ी हार होगी। इसलिए झंडा लहराना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी का लहराना चाहिए। आप तुम्हारा कैंडिडेट अवतार सिंह हितरी कमल का फूल है, इसलिए अपने कमल के फूल को खिलाओ। मेरा वादा आपको, आपको मैं कोई झूठ पहले भी नहीं बोलिया था, अब भी नहीं बोल रहा, जो कहता हूं वो करता हूं, झूठ नहीं बोलता किसी से भी, बिल्कुल नहीं बोलता, ना मैं पैसा लेता हूं किसी से। ये मेरे चैलेंज
कोई इलाके का आदमी मेरे को बोल के कह दे कि मेरे से पैसे लेके ऐसे मेरा मकान बनाया या मेरा तड़वाया, तो मैं देनदार हूँ इस बात का। ये मेरा चैलेंज है इस बात का। मेरा इस बात के मैं आपको वादा करता हूँ कि इलाके में रिश्वतखोरी करप्शन खत्म। आज जेड़े जो आज भ्रष्टाचार से फैलिया हुआ चारे पासे, ये सारी कांग्रेस की देन है, इसको बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। काम आपके इतने करूंगा आप याद रखोगे। आज जैसे अभी सेतिया जी कहा कि एमपी हमारा काउंसिलर चेयरमैन, काउंसिलर की चेयरमैन है वो भी हमारी, तो विधायक हमारा आ गया, तो काम की स्पीड आप देख सकते हो कितनी होगी। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे मन में पहले था कि नांगल को ऐसा बढ़ा के जाऊंगा याद रखेंगे लोग मेरे को करें। मेरा सपना अभी पूरा नहीं, अभी मैं करना है, इसलिए जो मैं को जो काम मुश्किल के मुश्किल वाले होते ना मैं वो काम करता हूँ। आज तुम्हारी जो पदोबस्ती को जो रोड निकाली है, ये मेरे को कहते हैं सरदार का दिमाग खराब है, ये नहीं निकल सकती। मैं क्या खराब दिमाग ही काम करता है, जिसका दिमाग ठीक हो तो काम ही नहीं कर सकता। और निकाली कि नहीं निकाली, ऐसे निकलती है, है? फिर वो तड़ी और जो लकड़ मंडी वो रोड थी, वो 8 फुट की रोड थी, वो लगा दुवार कर रहे, मैं उठा इसको कर 10 फुट चौड़ी, इसको वो भी करवा दी। मेरा मतलब काम जो बहुत पढ़िया लिखा जब बहुत अच्छे दिमाग वाला काम नहीं कर सकता, वो सोचता है भी इसमें गलती ना हो जाए, कोई अफसर ना कह दे। मैं ना बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो ना मैं बहुत सियाणा हूँ, मैं बहुत अकल नहीं रखता, पर मैं जो कहता हूँ करता हूँ। और वो हर काम होगा, जो मुश्किल काम है पहले होगा। दिल्ली लोगों की है, तो जो दिल्ली में लड़े हुए लोग है, जहाँ से मैं निजी, देखो मेरा गुनाह तब है कि मैं सरकारी कब्जा करके कोठी बनाऊँ, मैं सरकारी कब्जा करके अपनी कुछ जायदाद बनाऊं, मैं सरकारी जगह बेच दूं, वो गुनाह पाप है। मैं अगर लोगों की सहूलत के लिए किसी सरकार की जमीन के इस्तेमाल करता हूं, वो मेरा हक का, मैं राइट है। ये हिंदुस्तान आजाद है, ये किसी के प्यो की प्रॉपर्टी नहीं, ये सारे भारतवासियों का भारत, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। जे कोई गलती फलती मेरी हुई तो माफ कर देना, इसलिए कहता हूँ आपको आश्वासन देता हूँ, जय हिंद जय भारत।